हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक जैन, मैं आज आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। वी स्टार्ट फिजिक्स फॉर 11th क्लास। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक के अंदर प्लस वन की फिजिक्स में 15 चैप्टर हैं, जिसमें से आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर सेकेंड, लेक्चर नंबर फर्स्ट। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, विच नेम इज यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम बात करेंगे यूनिट होती क्या है और हमें क्यों आवश्यकता पड़ी मेजरमेंट की। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है, दैट इज़ नॉन एज नीड्स फॉर मेजरमेंट। हमें किसी भी चीज़ को मापने की, मेजर करने की क्यों आवश्यकता हुई, इसके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को यहाँ से रिलीज करूँगा तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वी नो दैट, हम सभी जानते हैं ये नीचे जाएगा, लेकिन ये ग्राउंड को कितने टाइम बाद टच करेगा। जब ये मार्कर नीचे गिरेगा तो ये ग्राउंड को कितने टाइम में टच करेगा, ये मार्कर कितनी स्पीड से मूव करेगा, ये इस मार्कर की ग्राउंड से हाइट कितनी है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मेजरमेंट की। जैसे एक और क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, विच हैव हैवियर, कौन भारी है। वन इज एलिफेंट एंड अदर इज गोट, कौन भारी है, हाथी या बकरी। तो हम सभी जानते हैं कि हाथी भारी है एज कंपेयर टू बकरी, लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है, हाउ मेनी टाइम्स। जो एलिफेंट गोट से हैवी है वो कितने गुना हैवी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए, हाउ मेनी टाइम्स कितने गुना भारी है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेजरमेंट करनी पड़ेगी। हमें एलिफेंट और गोट, इन दोनों के मास को क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। और इनके मास को मेजर करने के लिए हमारे पास वन एंड ओनली वन मेथड है, टू कंपेयर। तो हमें इसके मास को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर, और किससे कंपेयर करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हमें एलिफेंट और गोट दोनों के मास को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से हमने पहले एलिफेंट के मास को कंपेयर किया। हमने देखा, जब हमने इससे कंपेयर किया एलिफेंट का मास, तो एलिफेंट का मास आया हमारे पास 50 टाइम्स। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 50 टाइम्स था किसका मास, एलिफेंट का। और हमने सेम ऑब्जेक्ट से गोट के मास को कंपेयर किया, तो हमारे पास गोट का मास आया 10 टाइम्स, एलिफेंट का मास आया 50 टाइम्स और गोट का मास आया 10 टाइम्स। हमने इन दोनों को डिवाइड किया, 50 टाइम्स डिवाइड बाई 10 टाइम्स इज इक्वल टू 5। इट मीन्स एलिफेंट इज 5 टाइम्स हैवियर देन गोट। तो हमें किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना है, तो मेजर करने के लिए हमें उसे एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना पड़ेगा, और दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है फिजिक्स के अंदर, व्हाट इज यूनिट, यूनिट क्या है। तो यूनिट क्या है, तो हम बात करेंगे टू चूजें दी
स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चूज करेंगे, टू चूज इन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। Which use to compare, which use to compare the physical quantity of same nature। हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चूज करेंगे जिसको हम कंपेयर करेंगे किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना है, तो लेकिन एक कंडीशन और होनी चाहिए कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम नेचर में। अगर हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी वो भी लेंथ होनी चाहिए। अगर हम मास को मेजर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए, मास, और दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट, इज कॉल्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम इस हमारे पास एक ए बी रोड है और इस रोड की हमें लेंथ को मेजर करना है, तो हमें इसको कंपेयर किया सेंटीमीटर से। हमने मान लिया है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं, 1 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे कंपेयर किया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मीन्स इस रोड की लेंथ कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। हमने जब इससे मेजर किया 9 टाइम आया, इट मीन्स इसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज नोन एज यूनिट। सो यूनिट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू सेंटीमीटर। आल्सो हम लेंथ को किसे मेजर करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, तो ये सभी किसकी यूनिट है, लेंथ की। इसी प्रकार से हमें पता है टाइम, यूनिट ऑफ टाइम। हम टाइम को किसे मेजर करते हैं, सेकंड में, मिनट्स में, आवर में, डे में, ईयर्स एटसेट्रा। ये सभी किस चीज़ की यूनिट है, टाइम की। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। इसी प्रकार टाइम की यूनिट सेकेंड, मिनट्स, आवर, डे, ईयर। मास की यूनिट, यूनिट ऑफ मास। मास को हम किस में मेजर करते हैं, हम मार्केट में कोई भी सामान खरीद के लाते हैं, खास तौर से सब्जी या किराने का सामान, तो हम मास में लाते हैं। हम कितना लाते हैं, 1 किलोग्राम या 100 ग्राम। तो मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, मिलीग्राम, टन। तो ये सभी किस चीज़ की यूनिट है, मास की। तो हमारे पास लेंथ, टाइम, मास की यूनिट मिल गई। लेंथ की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड या मिनट, मास की यूनिट किलोग्राम या ग्राम। तो दैट इज नोन एज यूनिट। तो हम बात करते हैं, यूनिट आर टू टाइप्स, यूनिट दो प्रकार की होती है, यूनिट आर टू टाइप्स। जो हमारे पास यूनिट है, हम बात करते हैं जो भी यूनिट हमारे पास, दैट आर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स,
एंड सेकेंड वन इज नॉन एज ड्राई यूरिन। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जो वर्ड हमने यूज किया फंडामेंटल, हम इसको कहते हैं बेस। और हम कह सकते हैं फर्स्ट डिफाइन करते हैं फंडामेंटल यूनिट या बेस यूनिट, द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? मास, लेंथ एंड टाइम। दीज थ्री क्वांटिटी आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मीन्स मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी मास, लेंथ एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकेंड। दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और दूसरी कौन सी हमारे पास? सेकेंड इज नॉन एज ड्राइव। जो वर्ड इज ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है क्रिएट करना, उत्पन्न करना, ऑब्टेन करना। तो ड्राइव यूनिट क्या है? द यूनिट, द यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन, विच कैन बी ऑब्टेन, द यूनिट विच कैन बी ऑब्टेन फॉर द फंडामेंटल यूनिट। आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। वो सभी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से ऑब्टेन की गई, फंडामेंटल यूनिट से बनाई गई हैं, उन सभी यूनिट को हम क्या कहते हैं? ड्राइव यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें स्पीड की, हम किस चीज की बात करें? स्पीड। तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। स्पीड किसके कॉल होती है? डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। और हमें पता है कि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। सो यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ की यूनिट है, सेकेंड टाइम की यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ स्पीड। तो दीज यूनिट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट, सो दिस इज नॉन एज ड्राइव यूनिट। वन मोर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, हम किस चीज़ की बात करें? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किसके कॉल होता है? एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, स्पीड या वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय सेकेंड। हम इसे लिखते हैं मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये भी यूनिट किससे ड्राइव की गई है? मीटर मतलब लेंथ, और सेकेंड मींस टाइम, और सेकेंड कितनी बार आया? स्क्वायर मींस दो बार, मतलब मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। आल्सो अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम और एक्सेलरेशन के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आल्सो डिराइव फ्रॉम मास लेंथ एंड टाइम। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड ड्राइव यूनिट एंड दिस इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स को सबसे पहले न्यूटन ने डिफाइन किया था, तो हम फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पर पढ़ते हैं न्यूटन, और वन न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आज हमने पढ़ा यूनिट, कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट की, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट की, यूनिट के कितने सिस्टम होते हैं। थैंक यू।